नरेंद्र मोदी साहब की इस ओथ सेरेमनी में 9,000 गेस्ट्स शामिल होंगे। उनमें एक्साइटमेंट है, वो जानना चाहते हैं कि इंडिया और यूएस के रिश्ते आगे कैसे होंगे, इंडिया और रशिया के रिश्ते आगे कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी साहब इज बैक विद हिज की प्लेयर्स। उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे। क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। इसके अंदर है जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है, इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के एम्प्लॉयज, इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विस्किट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खुशियां केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी मनाई जा रही है। कि 7 कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्निटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है इसके अंदर? इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है, इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन्स के एम्प्लॉयज, इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विस्किट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आम तौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। अब दरअसल बीते कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा भव्य और अनोखे तरीके से संचालित किया गया था। आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेता अभिनेता जैसे कि गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता वहाँ पर उपस्थित थे। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के राजदूत और भारत के पड़ोसी देशों के हेड ऑफ स्टेट यानी कि देश को चलाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, तो वो वहाँ पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा मेहमान आए हुए थे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खुशियां दुनिया के कई देशों में मनाई गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से एक न्यूज निकल कर आई है कि ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने की खुशियां न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वॉशिंगटन, अटलांटा, हॉटस्टोन, शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 22 शहरों में शपथ ग्रहण करने की खुशियां 8 जून से लेकर 16 जून तक मनाई जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के सदस्यों ने अमेरिका की सड़कों पर बीजेपी की रैलियां निकाली और भारत की जीत को सबके सामने प्रस्तुत किया। एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जी ओथ ले लिया है और आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी देखी। उससे पहले खैर मोदी जी जो है वो दही चीनी खाते हुए भी हमें दिखाई दिए और यकीनन ये उनके लिए, जैसे कहा जाता है हमारे घर में भी यही होता है कि अगर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या किसी खास चीज के लिए कोई जा रहा है तो उसको दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर और खिला दी जाती है और उसको बहुत अच्छा शगुन या गुड लक समझी जाती है। तो बिल्कुल जी, एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, जो दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि तकरीबन 8,000
हजार लोगों के लिए जो है वहां पे जगह थी और जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो तकरीबन 8,000 लोगों के लिए था। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 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 फॉरेन मिनिस्टर है, और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है, मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर पिकिंग अप फाइट्स इन द नेबरहुड, एटलीस्ट नॉट विद इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली कमर एक बात जो हुई है और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड इट इज फेयरली मास कैजुअल्टी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पर अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। वी हैड थॉट द सिनेरियो लॉजिक वाज दैट दे वुड लीव अस अलोन, वी वुड लीव यू अलोन, ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, दो रोज की रोटी पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं, IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स में। सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी थॉट द पाकिस्तानी स्टेट, द पाकिस्तानी पॉलिटी वुड लाइक टू सेटल डाउन एंड नॉट प्रोवोक और पोक इंडिया इन द आई। ये जो टाइमिंग है ये बड़ी गलत, यू पोक इंडिया इन द आई, यू पोक मोदी 3.0 इन द आई कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, यू नो इट अमाउंट्स टू दैट, एंड दैट अनफॉर्चुनेटली कैन, जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंट, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंट तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब। नहीं, मैं सब इसी को जल साहब, इसी को मैं अगर बात करूं, आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, आपको पता